अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं आप सबके लिए मटन सीख की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन प्लीज़ आप उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो के अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कीमा ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसमें का पूरा पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर दिया है। इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी, 1 लीमू का रस, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच टिक्का मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। इसमें अब मैं मिक्स हर्ब ऐड कर दूँगी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब मैं इसे एक मिक्सर के जार में निकाल लूँगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी और उसे इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसे बिल्कुल आटे की तरह गूंद लूँगी, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से मैं इसे गूंद लूँगी और इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने अपने दोनों हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और एक स्टिक की मदद से मैं सीख बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बाकी की सारी सीख बना ली है। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा, मैं एक एक करके सीख इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब हमें इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। देख सकते हो, ये एक साइड से हो चुकी है, तो अब मैं इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी सीख अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर से मिलते हैं एक नवी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।